प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह आज आप लोगों को हिंदी वसंत भाग दो के पाठ 16 भोर और बरखा के बारे में बताऊंगी। भोर और बरखा की कवित्री मीराबाई हैं। तो आइए सबसे पहले मीराबाई के जीवन के बारे में जानें, अर्थात उनका जीवन परिचय। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री थीं। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री थीं। उनकी कविताओं में स्त्री पराधीनता के प्रति गहरी मनोव्यथा थी, जो भक्ति के रंग में रंगकर और गहरी हो जाती थी। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी के लगभग राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में हुआ था। मीराबाई का जन्म सन 1998 ईस्वी के लगभग राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह था तथा वे जोधपुर संस्थापक राव जोधा की प्रपौत्री थी। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था तथा माता का नाम वीर कुमारी था। बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया था, अतः वे अपने पिता माँ राव दूदा जी के पास रहती थी। प्रारंभिक शिक्षा भी उन्हें अपने दादाजी के पास रहकर ही प्राप्त की थी। मीराबाई अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी के पास रहकर ही प्राप्त की थी। राव दूदा जी बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के थे, जिनका प्रभाव मीरा के जीवन पर पूर्ण रूपेण पड़ा था। मीराबाई के जो दादाजी थे बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के थे, जिनका प्रभाव मीरा के जीवन पर पूर्ण रूपे पड़ा था। बचपन से ही मीराबाई कृष्ण की आराधिका थी। बचपन से ही मीराबाई कृष्ण की क्या थी? आराधिका थी। उनका विवाह उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई का विवाह उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ ही समय बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। मीराबाई के विवाह के कुछ ही दिन हुए थे कि उनके पति की मृत्यु हो गई थी। मीराबाई की मृत्यु द्वारिका में सन 1546 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। तो ये था मीराबाई के जीवन के बारे में। अब हम उनकी कुछ रचनाओं के बारे में जानेंगे। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की, नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। इसके अलावा मीराबाई के गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। तो ये था मीराबाई के जीवन के बारे में और उनकी रचनाएं। अब हम भोर और बरखा के सारांश को जानेंगे, अर्थात भोर और बरखा का सार। भोर और बरखा अर्थात प्रभात और वर्षा, इनसे संबंधित पदों में मीराबाई ने अपनी अनन्य भक्ति व प्रेम कृष्ण के प्रति दर्शाया है कि कैसे प्रभात के समय वे श्री कृष्ण को उठाना चाहती हैं और वर्णन करती हैं कि घर घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही बिलो रही हैं, ग्वाल बाल सब गायों को चराने जा रहे हैं। वह दूसरे पद में वर्षा ऋतु का वर्णन की है कि बादलों के आते ही मीरा को भनक पड़ती है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। चारों तरफ शीतल और सुहावनी पवन चलती है, ऐसे में मीरा जी कृष्ण के आने की खुशी में मंगल गीत गाना चाहती हैं। इस पद में उन्होंने भोर और बरखा जो हमारा शीर्षक है उसमें उन्होंने प्रभात और वर्षा से संबंधित पदों में मीराबाई ने अपनी अनन्य भक्ति व प्रेम कृष्ण के प्रति दर्शाया है। तो ये था भोर और बरखा का सारांश। अब हम भोर और बरखा नामक पाठ का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले पद को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। तो जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो हैं, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत हैं, कंगना के झनकारे,
उठो लाल जी भोर भयो हैं सुरनर ठाढ़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय शबद उचारे। माखन रोटी हाथ महलिनी गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सरल आयो को तारे। तो सबसे पहले हम इसके संदर्भ को जानेंगे। तो प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग दो के मीराबाई द्वारा रचित भोर और बरखा से लिया गया है। ये था इसका संदर्भ। प्रसंग में क्या हम लिखेंगे बेटा, तो इसमें मीराबाई ने यशोदा माँ द्वारा कान्हा जी को अर्थात कृष्ण को सुबह जगाने के दृश्य का वर्णन कर रही हैं कि किस प्रकार माता यशोदा कृष्ण को सुबह जगाती हैं। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो बेटा व्याख्या करने से पहले सबसे पहले हम इसमें कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। तो इसमें दिया है बेटा रजनी, रजनी का अर्थ होता है रात। भोर, भोर का अर्थ होता है बेटा सुबह। किमारे, किमारे का अर्थ होता है दरवाजा। उसके बाद है ठाड़े, ठाड़े का अर्थ होता है खड़ा होना। द्वारे अर्थात दरवाजा। फिर उसके बाद है कुलाहल, कुलाहल का अर्थ होता है शोर शराबा। उसके बाद से है शबद, शबद का अर्थ होता है शब्द। रखवाले, रखवारे का अर्थ होता है रक्षा। उसके बाद है तारे, तारे का अर्थ होता है उद्धार करना। तो आइए अब हम इसकी व्याख्या करें। जागो बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे। मीराबाई कहती हैं कि यशोदा माँ कृष्ण को जगाते हुए कहती हैं कि हे मेरे बंसी वारे ललना। आप लोगों को पता ही है कि भगवान कृष्ण बंसी को बजाते थे और मीराबाई भी भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। तो वो कहती हैं कि यशोदा जी जब कृष्ण को जगाती हैं तो कहती हैं जागो बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे। कहती हैं कि हे मेरे बंसी वारे लाल अब तुम जाग जाओ, हे मेरे लाल तुम उठ जाओ। रजनी बीती भोर भयो हैं घर घर खुले किवारे। रजनी बीती अर्थात रात बीत चुकी है, सुबह हो गई है और सभी के घर के दरवाजे क्या हो गए हैं, खुल गए हैं। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। देखो गोपियां दही मथने लगी हैं, तुम उनके कंगना के झनकार को ध्यान से सुनो। उठो लाल जी भोर भयो हैं सुरनर ठाढ़े द्वारे। हे मेरे लाल, मीराबाई कहती हैं कि फिर यशोदा जी कहती हैं कि हे मेरे लाल सुबह हो गई हैं और तुम्हारे दर्शन के लिए देव और मानव दरवाजे पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय शब्द उचारे। कह रही हैं कि जो तुम्हारे ग्वाल मित्र हैं वह तुम्हारे जय जयकार कर रहे, तुम्हारे शब्दों का शोर मचाते हुए जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ महलिनी गौवन के रखवाले। तुम्हारे ग्वाल बाल मित्र क्या किए हैं, हाथ में माखन और रोटी ले लिए हैं और गायों को चराने के लिए जंगल जा रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सरल आयो को तारे। मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे गोवर्धन पहाड़ को उठाने वाले श्री कृष्ण, तुम्हारी शरण में जो भी आए तुम उसका क्या करो, तुम उसका उद्धार कर दो। तो ये था पहले पद के व्याख्या। तो एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। जागो बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो हैं घर घर खुले किवारे। कहती हैं कि हे मेरे प्यारे ललना बंसी वारे ललना तुम क्या करो, जाग जाओ क्योंकि रात बीत चुकी है, सुबह हो गई है और सभी के घर के दरवाजे क्या हो गए हैं, खुल गए हैं। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। कह रही हैं कि गोपियां क्या हो रही हैं, दही को मथ रही हैं, तुम उनके कंगना के झनकार को ध्यान से सुनो। उठो लाल जी भोर भयो हैं सुरनर ठाढ़े द्वारे। फिर यशोदा माँ कहती हैं कि हे मेरे बेटे, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे लाल तुम उठ जाओ, सुबह हो गई है, तुम्हारे दर्शन के लिए देव और मानव दरवाजे पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय शब्द उचारे। तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हुए तुम्हारे ग्वाल बाल मित्र क्या कर रहे हैं, बाहर शोर मचा रहे हैं। माखन रोटी हाथ महलिनी गौवन के रखवाले। माखन और रोटी को हाथ में लेकर वह गायों को चराने के लिए जंगल में जा रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सरण आयो को तारे। मीराबाई कहती हैं हे मेरे गोवर्धन
पहाड़ को उठाने वाले श्री कृष्ण, जो भी तुम्हारी शरण में आए आप उसका उद्धार करें। तो ये था पहला पद। अब हम दूसरे पद को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमगियो मेरा मनवा, भनक सुनी हरि आमन की, उमड़ घुमड़ चहुदीस से आया दामिन दम के झरलावन की, नन्ही नन्ही बूदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। तो इसको भी हम सबसे पहले इसके संदर्भ को जानेंगे कि प्रस्तुत पद मीराबाई द्वारा रचित भोर और बरखा से लिया गया है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग दो से मीराबाई द्वारा रचित भोर और बरखा से लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग जानेंगे। तो इस पद में मीराबाई ने वर्षा ऋतु के आगमन पर प्रभु श्री कृष्ण के आने की संभावना को व्यक्त किया है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे, और व्याख्या करने से पहले बेटा हम क्या करेंगे, हम इनके कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। तो यहाँ पे दिया है बेटा बदरिया, बदरिया का अर्थ होता है बेटा बादल। उसके बाद है बेटा भावन, भावन का अर्थ होता है अच्छा लगना। उसके बाद है भनक, भनक का अर्थ होता है खबर। उसके बाद है चहुदीस, चहुदीस का अर्थ होता है चारों ओर। दामिन, दामिन का अर्थ होता है बिजली। दमके, दमके का अर्थ होता है बेटा चमकना। लावन, लावन का अर्थ होता है लाना। फिर उसके बाद है मेहा, मेहा का अर्थ होता है वर्षा। फिर है शीतल, शीतल का अर्थ होता है ठंडा। पवन, पवन का अर्थ होता है हवा। उसके बाद अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। मीराबाई कहती हैं कि सावन के बादल क्या हो गए हैं, बरसने लगे हैं, और सावन के बरसने वाले ये बादल मन को अच्छे लगते हैं। आप भी जानते हैं कि सावन में क्या होती है, बारिश होती है, और उस समय का मौसम क्या होता है, बहुत ही सुहावना होता है। तो मीराबाई कहती हैं कि सावन के बादल क्या हो गए हैं, बरसने लगे हैं, सावन के बरसने वाले ये बादल मन को अच्छे लगते हैं। सावन में उमगियो मेरा मनवा, भनक सुनी हरियावन की। कहती हैं कि सावन में प्रभु श्री कृष्ण के आने की समाचार सुनकर मेरा मन प्रसन्नता से भर गया है। कहती हैं कि सावन में उमगियो मेरा मनवा, भनक सुनी हरियावन की। हरि मिस होता है, हरि भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। तो कहती हैं कि सावन में जब वह भगवान कृष्ण की आने की समाचार सुनती हैं तो उनका मन क्या होता है, प्रसन्नता से खुशी के मारे भर जाता है। उमड़ घुमड़ चहुदीस से आया दामिन दम के झरलावन की। कहती हैं इस अवसर पर चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर बादल क्या हो गए हैं, बरसने के लिए आए हैं, बिजली चमक रही है। कह रही हैं कि उमड़ घुमड़ चहुदीस से आया दामिनी दम के झरलावन की, यानी इस अवसर पे चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर बादल बरसने के लिए आ गए हैं और बिजली भी चमक रही है। नन्ही नन्ही बूदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की। कह रही हैं कि छोटी छोटी बूंदों में वर्षा बरस रही है और ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। कह रही हैं कि मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु वह जो चतुर श्री कृष्ण है, सावन के मौसम में उनके आने का समाचार सुनकर मेरा मन आनंद से भर कर मंगलमय गीतों को गा रहा है। एक बार और देखिए, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। मीराबाई कहती हैं कि सावन के बादल बरसने लगे हैं और सावन के बरसने वाले बादल मन को क्या होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। सावन में उमगियो मेरा मनवा, भनक सुनी हरियावन की। सावन में जब भगवान श्री कृष्ण की आने की समाचार सुनकर मेरा मन प्रसन्नता से भर जाता है। उमड़ घुमड़ चहुदीस से आया दामिनी दम के झरलावन की। इस अवसर पर चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर बादल बरसने के लिए आते हैं और बिजली भी चमक रही है। नन्ही नन्ही बूधन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की। छोटी छोटी, नन्ही मिस क्या होता है बेटा, छोटी छोटी, छोटी छोटी बारिश की बूंदे यानी वर्षा हो रही है और ठंडी ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। कहती हैं कि मेरे प्रभु
वो क्या है, चतुर जो श्री कृष्ण हैं, उनके सावन के मौसम में आने का समाचार सुनकर मीराबाई का मन क्या होता है, आनंद से भरकर मंगलमय गीतों को गा रहा है। तो ये था मीराबाई द्वारा रचित भोर और बरखा। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी व्याख्या समझ में आया होगा। धन्यवाद।